नमस्कार, करेंसी मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मंगलवार 17 अगस्त। कल के सेशन की बात करें तो कल हमने देखा डोमेस्टिक मार्केट बंद था, जिसके चलते कोई एक्टिविटी नहीं थी। बट पिछले हफ्ते में अगर हम बात करें तो मार्केट के अंदर काफ़ी एक सीमित दायरा ट्रेड कर रहा था। एक तरफ हम US से देख रहे हैं कि जो डेटा पॉइंट जॉब डेटा लास्ट वीक अच्छे आए थे, उसके बाद अब कहीं ना कहीं ये जॉब डेटा के बाद US के अंदर जो नंबर्स है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा पैसिमिज्म दिखा रहा है, जिसके चलते पिछले 2-3 दिनों में हमने देखा डॉलर इंडेक्स 93 से 92.68 पे आता हुआ दिखाई दिया। साथ में बॉन्ड यील्ड में भी गिरावट है, जिसके चलते USDR में दबाव था। बट डोमेस्टिक मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं इक्विटी मार्केट ओवर लिवरेज दिख रहा है, जिसके चलते कंसोलिडेशन जोन हम USDR में भी देख रहे हैं। टेक्निकली अगर देखा जाए तो 74.20 से लेकर 74.60 का लेवल हम USDR में ट्रेड होते हुए देखेंगे। आज की ओपनिंग 74.29 के करीब होगी, बट कहीं ना कहीं प्राइजेस को थोड़ा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा और प्राइजेस 74.40 से 45 तक जा सकते हैं। यूरो के अंदर हमने शॉर्ट कवरिंग के चलते 87.46 के लेवल पे ट्रेड करते हुए देख पा रहे हैं। वहीं ओपनिंग की बात करें तो 87.40 से 87.50 के बीच में ही है। लोअर लेवल से यूरो में एक बाउंस आता हुआ दिखाई देगा, जो 87.65 तक का लेवल दिखा सकता है। GBP INR की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में हमने देखा कि GBP में कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से प्राइजेस में दबाव बना हुआ है। ब्रिटेन की जो ग्रोथ फिगर है सेकेंड क्वार्टर के, वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन आए। वहीं जापान की भी अगर बात करें तो प्रोड्यूसर प्राइजेस के जो अपडेट्स आए हैं वो कहीं ना कहीं सपोर्टिव आए, जिसके चलते कल हमने शॉर्ट कवरिंग पिछले हफ्ते में हमने शॉर्ट कवरिंग बनते हुए देखी थी प्राइजेस में, जो आज भी 67 के ऊपर काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। ओवरऑल इंटरनेशनल में डॉलर इंडेक्स 93 के नीचे होने की वजह से यूरो GBP JPY को आज सपोर्ट मिलेगा। USDINR को भी एक टेम्पररी सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा। आज के डेटा पॉइंट की अगर हम बात करें तो जापान से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी डेटा काफ़ी अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से GPY में आज बाइंग किया जा सकता है 68.40 के टारगेट के लिए। UK से भी अगर हम देखें तो आज अर्निंग इंडेक्स का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कहीं ना कहीं प्राइजेस को सपोर्ट करेगा। यूरो जोन से एम्प्लॉयमेंट के भी डेटा अच्छे हैं, जिसकी वजह से यूरो को सपोर्ट मिलेगा। बट US से कोर रिटेल सेल्स का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट में थोड़ा इजाफा जरूर है, बट बिजनेस इन्वेंट्री डेटा फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। साथ में फेड चेयरमैन पॉवेल की स्पीच भी रहेगी, जिसके चलते आज डॉलर इंडेक्स लाइमलाइट में इवनिंग सेशन में रहता हुआ दिखाई देगा। चार्ट के लिए अगर हम देखें तो USDINR 74.27 का एक अच्छा सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। आज बाइंग करके चलिए, जो 74.55 तक का लेवल दिखा सकता है। EURINR में 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट है, 87.45 के करीब लेके चलिए, जो 87.80 तक का टारगेट देखने मिल जाएगा। GBP INR में कल की गिरावट के बाद आज मार्केट अपने आप को संभलता हुआ दिखाई देगा, 102.50 के सपोर्ट पे बाइंग करके चलिए, जो 102.90 तक का लेवल दिखा सकता है। डेटा को देखते हुए JPY में आज तेजी रहेगी, जो 67.90 से लेकर 68.40 तक के टारगेट देखने मिल जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए।